Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying admission of a partner, or the concept is preparation of a revaluation account, capital account, balance sheet, or admission ke time pe partner ke journal entry pass karna. Question hai, balance sheet of J and K, K who were sharing profits in the ratio of 3:2 is as follows. Balance sheet current year ka de rakha hai. एक रिजर्व दे रखा है और जे एंड के का कैपिटल कैश और अदर एसेट्स. इसमें तीन केसेस दे रखा है. तीनों केसेस में फर्स्ट बोल रहा है एम जॉइंस द फर्म ऑन 1 अप्रैल फॉर हाफ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स. तो इनका रेशियो है 3:2. ए एम हाफ शेयर के लिए ज्वाइन कर रहा है. लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1. रिमेनिंग शेयर ऑफ जे एंड के आफ्टर एम्स एडमिशन 1 से 1.5 चला गया तो 1/2 आया. फिर क्वेश्चन पढ़ो. ही इज टू पे 1 लाख फॉर एज गुडविल प्रीमियम एंड 3 लाख फॉर कैपिटल. ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इसमें केस ए केस बी केस सी दे रखा है. बोल रहा है जर्नल एंट्री बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ और आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. तो बिना कैपिटल अकाउंट में आपके जर्नल और बैलेंस शीट नहीं बन पाएगा. तो अभी आप कैपिटल अकाउंट को रफ में बनाओ दैट इज बेटर वर्किंग नोट में. सबसे पहले केस ए बोल रहा है इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. तो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. इसी शेयर में जे और के रिमेनिंग शेयर हाफ को ले लेंगे. तो ए ले जाएगा 3/5, जे ले जाएगा 3/5, के ले जाएगा 2/5. तो 3/10, 2/10 और इसका हाफ का डिनोमिनेटर 2 को 10 बनाने के लिए 5/5 में डिवाइड करोगे तो इट विल बी 5/10. तो न्यू रेशियो होगा 3:2:5. तो सैक्रिफाइस की रेशियो निकालो. ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो ये 3/10 हो गया जे का, K का हो गया 2/10. तो इन दोनों का शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का 3:2. सिंपली कैपिटल अकाउंट बनाओ. बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 1,50,000 एंड 1 लाख है ए बी का, जे एंड के का दे रखा है. देन कैश अकाउंट पैसे लेकर आ रहा है. कैश अकाउंट डेबिटेड 4 लाख टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो ये हो गया 3,01,000 बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम एम. इसको अगर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो बाय कैश अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट. देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू जे एंड के. बीइंग प्रीमियम मनी रिसीव्ड फ्रॉम न्यू पार्टनर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में ट्रांसफर हो गया ये वाला. तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3:2 रेशियो में बांट दिया. यानी प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू जेस कैपिटल टू केस कैपिटल. देन जो रिजर्व है बैलेंस शीट का, ये रिजर्व को कैपिटल के क्रेडिट में बांटेंगे. रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जेस कैपिटल केस कैपिटल ओल्ड रेशियो में. रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जेस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट बींग रिजर्व क्रेडिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. ये ओल्ड रेशियो में होता है और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है. जर्नल यूजुअली टोटल करते हैं. आपको ये कैपिटल अकाउंट का टोटल करो, इसको क्रेडिट साइड डेबिट साइड में उतारो और बैलेंस कैरेट डाउन निकालो. बैलेंस कैरेट डाउन निकालने के बाद ये जो बैलेंस है ये बैलेंस को आप बैलेंस शीट में लिखो. बैलेंस शीट में चेंज होगा, न्यू कैपिटल बैलेंस आएगा. रिजर्व आपके बढ़ चुका है, यहाँ पे रिजर्व बढ़ चुका है. आपके जो कैश लेकर आ रहे हैं ना, दिस इज कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड 4 लाख. यू कैन से ये वाला कैश, ये 3 लाख और 1 लाख आपके प्रीमियम पर गुड हुई 4 लाख. जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैश दे रखा है आप देखो 2 लाख दे रखा है बैलेंस शीट में. ये जो 2 लाख कैश दे रखा है ये कैश को बैलेंस शीट में, ये 4 लाख प्लस 2 लाख तो बैलेंस शीट में न्यू कैश 6 लाख बनेगा. देन और अदर एसेट आज इट इज उतारो और दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल करो. इट इज टैलिंग देखो 7,50,000 7,50,000. दिस इज केस ए. अगर हम केस बी के बात करें,
केस बी में आपको ध्यान आएगा, देखो इसमें क्या क्या डिफरेंस है। केस बी में बोल रहा है इफ एम गेट्स ही शेयर और प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे जो 3/5 है, ये जो 3/5 और 2/5 दे रखा है, ये हाफ हाफ बन जाएगा इक्वल। आई से ये कैसे बनेगा देखो आपको बताता हूँ। दिस इज केस बी। केस बी में जो 3/5 शेयर था ओल्ड पार्टनर का, इसे हाफ सी ले रहा है। सी हाफ को इक्वली ए से ले रहा है आधा, जे से ले रहा है ए। सी मतलब इट इज ऐसे एम एम जे से ले रहा है हाफ का हाफ, और के से ले रहा है हाफ का हाफ। तो जे का न्यू शेयर बनेगा 7/20, के का 3/20, और एम का न्यू शेयर बनेगा 1/10/10, तो 7:3:10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा 5/20, 5/20, 1:1। पूरा केस ए और केस बी पूरा सेम है, एक्सेप्ट प्रीमियम पर गुडविल इक्वली बढ़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यानी आपका खाली इतना चेंज होगा, प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू जेस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट, बिंग प्रीमियम मनी रिसीव्ड फ्रॉम न्यू पार्टनर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 में बढ़ गया। 1:1 में बढ़ेगा तो आपके कैपिटल बैलेंस बदल जाएंगे, वैल्यू टोटल वैल्यू सेम रहेगा, बट एडिशन इसका जो बैलेंसिंग फिगर बदल जाएगा, और ये वाला वैल्यू इधर आएगा, बाकी सब सेम है। कैश वैश एवरीथिंग विल रिमेन सेम, आपके बैलेंस शीट का टोटलिंग भी सेम आएगा। एंड दिस वाज अबाउट केस बी। केस सी, इफ एम गेट्स ही शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, यहाँ पे हाफ हाफ ले रहा है दोनों से, एम अपना शेयर इक्वल ले रहा है हाफ हाफ, पर बोल रहा है कि नहीं, सी केस में 3:1, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, सी केस में 3/4, 1/4, सी केस में ले रहा है 3/4 और 1/4। तो उस केस में हम क्या करेंगे देखो, तो एम इज टेकिंग हाफ शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1 फ्रॉम जे एंड के। तो जे से हाफ का 3/4 ले जाएगा और के से हाफ का 1/4 ले जाएगा, तो इट विल बी 9/40 फ्रॉम जे एंड 11/40 फ्रॉम के, एंड एम्स न्यू शेयर 20/40। देयरफॉर द न्यू रेशियो ऑफ जे के एम 9:11:20, तो 15:5 होगा, 3:1 होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 1:3:1 में अगर ले जाएगा तो 3:1 सैक्रिफाइस होगा। तो इस सेम केस बी में इसमें कोई चेंज नहीं होगा, खाली प्रीमियम पर गुडविल अलग बढ़ेगा। दिस इज 3:1, यानी प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू जेस कैपिटल केस कैपिटल 3:1 में बढ़ेगा। इसके वजह से ये वैल्यू चेंज हो जाएंगे, बट टोटल अमाउंट इक्वल रहेगा। ये वैल्यूज चेंज कर दो, और कैश तो 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख होगा। तो केस ए, केस बी, केस सी, आपको जब क्वेश्चन करते हो ध्यान से उसका वर्डिंग पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, ताकि आपके कभी मतलब गलत ना हो। रेशियो निकालना सही तरह आना चाहिए, देन गुडविल का ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह आना चाहिए, देन द थिंग्स विल गो वेल, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर केस ए बी एंड सी।